राहुल गांधी जी ने महिला कांग्रेस के 38वें स्थापना दिवस पे आरएसएस और भाजपा को लेकर जो भी टिप्पणी कही वो पूरी तरह से ठीक है, उसमें कुछ भी गलत वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस और हमारी विचारधारा अलग अलग है, आरएसएस की विचारधारा नफरत की है, हमारी विचारधारा गांधी जी की अहिंसा की है, उनकी विचारधारा गोडसे की सावरकर की है, समाज को बांटने वाली, हम उनकी विचारधारा से कभी समझौता नहीं कर सकते, उनकी विचारधारा से हमें प्रेम से लड़ना होगा, नफरत से नहीं। उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा महिला शक्ति को दबाने का काम करते हैं, देश में डर और भय का माहौल फैला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें गलत क्या है। यदि बात करें तो आरएसएस के अंदर किसी भी महिला को कोई स्थान नहीं है, तो निश्चित तौर पर आज महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित इन्हीं की सरकार में। और यदि आज बात करें तो किसान महिलाएं सब डरे हुए हैं, तो राहुल गांधी ने जो कहा ठीक कहा, लेकिन भाजपा जानबूझकर उनके मुद्दे को झूठी हवा इसलिए दे रही क्योंकि एनसीआरबी के जो आंकड़े आए उसमें इन सब राहुल गांधी जी द्वारा जो बातें कही गई उसकी पोल खुल गई, उसकी वास्तविकता सामने आ गई। यदि राहुल गांधी जी ने कहा है कि भाजपा की सरकार में आरएसएस के अंदर महिलाएं डरी हुई हैं, किसान डरे हुए हैं, तो एनसीआरबी के आंकड़ों में भी तो यही है। यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर 2020 के जो जारी आंकड़े हैं उसके अंदर 7230 नाबालिग लड़कियां गायब हुई है। यदि बात करें तो 77 महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हो रही। यदि बात करें तो 46 मासूम बच्चे अपहरण, दुष्कर्म और गंभीर अपराध के शिकार हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आज महिलाएं, बच्चे, मासूम बच्चियां सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस रिपोर्ट से ध्यान भटकाना है, इसलिए झूठे मुद्दों का हवा दे रहे हैं। और ये बताना है कि राहुल गांधी फिरोज गांधी के पोते हैं, तो फिरोज गांधी के परिवार से तो मेनका गांधी और वरुण गांधी भी है जो उनकी पार्टी में उच्च पदों पर आसीन है। यदि इन्हें फिरोज गांधी से इतनी नफरत है तो मेनका गांधी और वरुण गांधी को भी बाहर करना चाहिए पार्टी से, लेकिन जानबूझकर झूठे मुद्दों का हवा दे रहे हैं। इनको तो मानसिक दिवाली हो चुके हैं, मानसिक चिकित्सालय में इलाज की जरूरत है। इनको कांग्रेस पहले भी कह चुकी है ये लोग मानसिक चिकित्सालय में भर्ती हो, इनके इलाज का खर्चा हम उठाएंगे। और राहुल गांधी जी ने ठीक कहा, ये धार्मिक पर्यटन पर जाने वाले लोग हैं, ये धर्म का राजनीति में उपयोग करने वाले लोग हैं, ये समय समय पर कब टीका लगाना कब टोपी लगाना ये इनका चुनाव को देखते हुए निर्णय है। और ये नरोत्तम मिश्रा जी जो इस तरह की बात कर रहे हैं सब जानते हैं किस प्रकार प्रतिदिन सच सवर कर कैमरे के सामने टीका लगाकर खड़े हो जाते हैं, तो ये राजनीतिक प्रोपोगंडे में माहिर है, लोगों को गुमराह करने में माहिर है।